क्या हाल है सभी के। तो आपका भाई वापस आ गया आप लोग का डाउट क्लियर करने, ये बड़े बड़े बाल लेकर। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा लुक है, ये जो गंदा लुक है, इसको टॉलरेट कर लेना थोड़ी देर, क्योंकि बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो ये बेसिकली जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको बताता हूँ, मैं काफ़ी कुछ टी प्लांटर पे वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल में। अगर आप लोग को डाउट है तो शायद आप लोग जाके वो वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जाके वो सब वीडियो चेकआउट करो, चैनल में ही है। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, अगर नहीं लगे तो मत करना। एंड यस, मैं एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, ये बेसिकली व्लॉगिंग चैनल ही है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने स्टार्ट इसलिए किया है आप लोग के लिए बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग टी प्लांटर जो है, जो नए नए टी प्लांटर बनना चाहते हैं, वो लोग मुझसे ज्वाइन किए हैं हाल ही में। तो मैं उन लोग के लिए थोड़ा बहुत मदद करना चाहता हूँ अपने वीडियो के थ्रू, होपफुली मैं कर रहा हूँ मदद आप लोग का, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से इंटरेस्टिंग व्लॉग भी डालता हूँ मैं इसी चैनल में, तो जाके व्लॉग सब भी देखो, होपफुली आप लोग अच्छा लगेगा। व्लॉग काफ़ी फन एलिमेंट होते हैं, काफ़ी अपने लाइफ के बारे में दिखाता हूँ मैं उस व्लॉग में। तो यस, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई व्लॉग, होपफुली तो बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। एंड यस, तो बेसिकली क्या हुआ, कुछ दिन पहले मुझे इंस्टाग्राम एक बंदे का मैसेज आया और मुझे बहुत सारे टी प्लांटर जो नए नए टी प्लांटर बनना चाहते हैं उनका मैसेजेस आते रहते हैं मुझे इंस्टाग्राम में। बट सब मैसेजेस में कुछ ना कुछ रहता है कि हम टी प्लांटर कैसे बने। तो एक बंदे का मैसेज मैंने देखा, उसमें उसने तीन चार सवाल पूछा। तो मुझे वो तीन चार सवाल मैंने नोटिस किया कि मैंने अब तक ये तीन चार जो सवाल उसने पूछा ना, मैंने अभी तक वो चीज़ कवर नहीं किया अपने वीडियो में। तो मुझे लगा कि क्यों ना वो सवाल को उठाया जाए और कवर किया जाए एक ही वीडियो में कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली कनेक्टेड है वो सवाल एक दूसरे से। तो इसलिए मैं सोचा एक ही वीडियो में क्लियर कर देता हूँ आप लोग को, क्यों लंबा लंबा वीडियो के लिए आप लोग को वेट कराना है। तो एक ही वीडियो में सब क्लियर कर देता हूँ। तो ये वीडियो के एंड में देखना, मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ टी प्लांटर का, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या टॉपिक पे बनाने वाला हूँ वो वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा आप लोग को। एंड ट्रस्ट मी, वो वीडियो आप मिस कभी नहीं करना चाहोगे। वो वीडियो इस बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, ट्रस्ट मी। टी प्लांटर के ऊपर ही है और कुछ बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आज तक शायद किसी ने यूट्यूब में कवर नहीं किया एंड किसी ने बात नहीं किया उस टॉपिक के बारे में। मैं करने वाला हूँ अपने चैनल के थ्रू, तो वो वीडियो के एंड में आप लोग को पता चल जाएगा। तो यस, मैं आप लोग को पहले सवाल बता देता हूँ क्या क्या सवाल उसने पूछा था। सो सबसे पहला सवाल था उसका, व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर अ टी प्लांटर इन असम। बेसिकली इसने असम का जिक्र किया है, वो बंदा असम का, इसलिए। लेकिन मैं जहाँ जहाँ टी प्लांटर है, मोस्टली वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, जहाँ जहाँ भी है, मैं सबका कवर करूँगा। क्योंकि टी प्लांटर जो कम्युनिटी होता है वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। वो असम, दार्जिलिंग, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, सब जगह का एक ही होता है। एंड सेकेंड सवाल ये था, व्हाट इज़ द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द टी गार्डन नाउडेज। ठीक, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है टी गार्डन का अभी हाल ही में, प्रेजेंटली आफ्टर लॉकडाउन थोड़ा बदली हुआ है, वो भी बताऊँगा मैं आप लोग को, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, अभी राइट टाइम है कि नहीं ये ज्वाइन करना, ये भी बताऊँगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर स्कोप आफ्टर बींग वर्किंग सम ईयर एज अ टी प्लांटर। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा इस बंदे ने, तो इसका मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड चौथा सवाल जो इसने पूछा है वो मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं इसका पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो आई थिंक एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिनिमम सैलरी ऑफ अ टी स्टेट मैनेजर, फैक्ट्री और गार्डन मैनेजर, नॉट अ जनरल मैनेजर, अ डेप्यूटी मैनेजर इन एनी टी गार्डन ऑफ असम अंडर एनी कंपनी। ठीक है, असम हो या कहीं पर भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है इसी चैनल में है, लेकिन वो फ्रेशर लोग के लिए बनाया है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि आप डायरेक्टली डेप्यूटी मैनेजर या टी स्टेट मैनेजर बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, आपको टी गार्डन में घुसना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद आपका जो हार्डवर्क है वो उससे वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप काम जानते हो कि नहीं जानते हो, ये भी मैटर करेगा। उसके बाद वो लोग आपको प्रमोशन देंगे। डेप्यूटी मैनेजर तक जो पहुँचना मतलब थोड़ा लंबा जर्नी है, तो आपको पहले आपको ट्रेनी असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सीनियर असिस्टेंट मैनेजर, फिर शायद आप लोग को डेप्यूटी मैनेजर, क्योंकि बहुत सारे कंपनी में अलग अलग पोस्ट भी होते हैं। उसके बाद मतलब तीन चार आपको जो सीढ़ी है ना वो चढ़ना पड़ेगा डेप्यूटी मैनेजर तक। एंड यह सैलरी का बात है, मैं सैलरी कवर नहीं कर सकता इसका, क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, कॉन्फिडेंशियल नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे पता है इनका सैलरी क्या होता है। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेशर लोग के लिए, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन लोग को पता होगा कि टी स्टेट मैनेजर, फैक्ट्री
गार्डन को का सैलरी क्या होता है, क्योंकि जो फ्रेशर है उनको जानने की जरूरत है कि उनका सैलरी क्या होगा, क्योंकि आप अपना देखो यार, क्यों दूसरा का देखना है, राइट। तो यस, इस पे मैंने वीडियो पूरा बनाया है, लिंक ऊपर भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वो आप चेकआउट कर लो। कि CTC भी मैंने समझाया है कि कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है उसी वीडियो में, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगे और काफ़ी आप इंटरेस्ट आपको जगेगा टी गार्डन में जाने का। तो यस, मैंने एक लाइन बोला ना, काफ़ी बड़ा लाइन हो गया, हो जाता है, आप कहीं पर भी चाहो तो फुल स्टॉप लगा दो, एक लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यस, तो अभी स्टार्ट करेंगे पहला सवाल से। सो व्हाट इज द फ्यूचर फॉर अ टी प्लांटर इन असम? तो बेसिकली असम का नहीं बोलूंगा मैं, सब जगह का बोलूंगा, ठीक है। टी प्लांटर कम्युनिटी एक ही होता है, असम का हो, दार्जिलिंग का हो, वेस्ट बंगाल का, ये फर्क नहीं पड़ता है। तो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टी प्लांटर इन एनीवेयर, ठीक है। टी प्लांटर का जो लाइफ है ना, वो बहुत ही एक सर्कल के बेस्ड पे डिसाइड होता है कि आपका एक ही सर्कल रहेगा, जो जो सर्कल रहेगा, क्योंकि बहुत बहुत आपने टी प्लांटर को देखे होंगे, उनका कोई ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता, अगर होता भी है तो वो टी कम्युनिटी के अंदर ही होता है, ठीक है। टी प्लांटर अपना फ्यूचर कैसे डिसाइड कर सकता है, उसका एक ही और एक ही फंडा है, मेहनत से। अगर आप मेहनत करोगे तो आप 5 साल में फैक्ट्री मैनेजर बन जाओगे, या फिर आपको वो चीज़ 10 साल भी लग सकता है, लेकिन बनोगे तो ज़रूर बनोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मेहनत का मतलब क्या होता है, मेहनत का मतलब होता है काम सीख लो। अगर आप काम सीख लोगे ना, तो आपको सब कुछ ईजी हो जाएगा। आई डोंट नो, आप लोगों को पता है नहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का मतलब क्या होता है। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉई को रखता है, ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयर होता है और एम्प्लॉई होता है, इन दोनों का रिलेशन जो है एकदम क्लोज होना चाहिए। मतलब आपका एम्प्लॉयर कौन होगा, आपका एम्प्लॉयर होगा जो लोग हाई पोस्ट में बैठे हुए हैं। ओनर नहीं होगा, ओनर को एम्प्लॉयर नहीं बोलेंगे। आपका एम्प्लॉयर होगा जैसे कि जनरल मैनेजर हो गया कंपनी का, सीनियर मोस्ट पोस्ट में, वो आपका एम्प्लॉयर होगा। या फिर मैनेजर, कोई टी गार्डन में जनरल मैनेजर नहीं होता है, वहाँ पे मैनेजर होगा। या फिर कोई कंपनी में MD होता है, तो वहाँ पे आपका एम्प्लॉयर MD होगा। आपको इनसे अच्छा रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैं बहुत लोग को देखा हूँ, मतलब 80% लोग क्या होता है ना, मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं। आपने मैंने लास्ट वाला टी प्लांटर का वीडियो देखा होगा, उसमें एक मैंने बोला था एंगर मैनेजमेंट के बारे में, तो उसी की तरह है कि बहुत सारे टी प्लांटर को मैंने देखा है कि गुस्सा होते हैं बहुत जल्द, लोगों से पंगा ले लेते हैं, तो उन लोगों का टी गार्डन में रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप लोगों से जेलअप नहीं कर पाते हो वहाँ पे, आपका आपका जो रिलेशन है आपके सीनियर से अच्छा नहीं है। तो ये चीज़ मत रखना। देखो यार, आप जितने भी अच्छे होंगे काम में, आप जितने भी जितना भी काम जानते होंगे, लेकिन आपको आपके सीनियर को मक्खन मारना पड़ेगा, ये बात याद रखना। जब आप उस पोजीशन में पहुँचोगे तो आपको लोग मक्खन मारेंगे, तो ये सोच के आप मक्खन मारो उनको, ठीक है। मक्खन मारना बहुत ज़रूरी है गाइस, कोई भी ये वीडियो में नहीं बोलता हो कि मक्खन मारो, लेकिन मक्खन मारना आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करना है आपको, कुछ भी बड़ा बनना है, जल्दी बनना है, तो मक्खन मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ काम भी आना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले काम सीखो अच्छे से, उसके बाद मक्खन मारना सीखो। मक्खन मारना तो आई थिंक सबका अंदर होता ही है कुछ ना कुछ, बस वो निकालने की ज़रूरत होती है। इजली क्या होता है ना कि आप जल्दी सक्सेस पहुँचते जाओगे, क्योंकि वो जो बंदा है सीनियर मोस्ट पोस्ट, वो आपको प्रोमोट करेगा। आपको प्रोमोट इन द सेंस, वो ऐसा नहीं कि आपको हायर पोस्ट दे देगा, आपको मार्केट में भी प्रोमोट करेगा। कहीं वो जा रहा है कोई क्लब फंक्शन में, या फिर कोई इवेंट में जा रहा है, टी प्लांटर का कोई ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, तो आपको वो लेके जाएगा अपने साथ, तो आप लोगों की नज़र में आएगा, तो आपको लोग टी कम्युनिटी में पहचानेंगे, भाई ये तो वो है। ये सिंपल फंडा है, मक्खन मारना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सर्वाइव करना है, लंबा खेल खेलना है टी गार्डन में। जो सेकेंड सवाल है उस बंदे का, मैं उसमें आता हूँ। व्हाट इज द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द टी गार्डन नाउडेज? तो यस, आप जानते हो कि जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी भी है, उनका भी दिवाला निकल गया था लॉकडाउन के चक्कर में, क्योंकि पहला जो लॉकडाउन का 3-4 महीना था, वहाँ पे तो कंपनी काम भी नहीं कर सकते थे, मतलब इतना लोग शॉक में थे, यार ये क्या हो गया लॉकडाउन के चक्कर में। और बेसिक एग्जांपल देता हूँ डे टू डे लाइफ का, इतना मैं घुसने वाला नहीं हूँ, एकदम साइंस वाला वर्ड यूज़ करूँगा, ऐसा यूज़ करूँगा उतना इकोनॉमिकल स्टेटस जो टाइप का वर्ड यूज़ करूँगा, पहले बेसिक एग्जांपल देता हूँ। आप सबसे पहले ये खुद ही सोचो, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ बनता है, मतलब पूरे दुनिया का बात कर रहा हूँ, मतलब कौन सा कंट्री है जहाँ पे चाय बनता है। दो कंट्री है, सबसे पहला नंबर है चाइना और दूसरे नंबर में आता है इंडिया। इंडिया का चाय
अलग अलग कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है, एक्सपोर्ट होता है। हाल ही में 2019 और 2020 का नहीं 20 का नहीं 2018-19 का आई थिंक यस 2018-19 का अगर आप कहीं पे निकालोगे कि कितना चाय इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट हुआ है तो 213 मिलियन केजी अराउंड हुआ है बाहर एक्सपोर्ट। और कौन कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है? यूएसए होता है, चाइना होता है, चाइना में भी होता है एक्सपोर्ट इंडिया से, जापान होता है, यूके होता है, काफ़ी कंट्री में होता है एक्सपोर्ट इंडिया से। मतलब इंडिया में पैसा आ रहा है, पैसा वहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है। तो आप सोच लो कैसे इंडिया का रेवेन्यू गिर सकता है इस मामले में। तो आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली लॉकडाउन में आपको पता है क्या हुआ? 1060 लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ इस बार चाय बगान का, क्योंकि सबसे पहला तो उन लोग चाय प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पहला 3 महीना पूरा लॉकडाउन था वहाँ पे, तो आप एक बंदे को भी काम में रख नहीं सकते हो जो लेबर्स वर्करस होते हैं। लेकिन उसके बाद जब स्टार्ट हुआ वो भी 50% में हुआ, ठीक है, पहला तीन महीना में तो बिल्कुल बंद था, तो उसमें तो बहुत लॉस हुआ। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ 50% आप वर्कर को रख सकते हो काम करने के लिए, तो सब मिला के लास्ट ईयर का लॉस लॉकडाउन में कितना हो पता है? 1060 करोड़, मतलब 1060 करोड़ लॉस ऑफ रेवेन्यू शिफ्ट टी गार्डन का हुआ। असम का बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ असम का बात कर रहा हूँ। तो आप सोच लो वो होने के बाद भी अच्छा खासा चल रहा है टी गार्डन, आप खुद ही सोच लो। वो तो चलो लॉस ऑफ रेवेन्यू, उसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी टैक्स जाता है, गवर्नमेंट का भी बहुत सारे जगह में वो पैसा जाता है, लेकिन आप पर्सनल लॉस देखोगे टी गार्डन्स का, आप खुद ही सोचोगे यार कितना लॉस होने के बाद भी कंपनी चल कैसे रहा है। क्योंकि वो लोग वो चीज़ बैलेंस कर लेते हैं आने वाले 3-4 महीने में। थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है, थोड़ा मैन पावर इंक्रीज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रोडक्शन ऑफ टी ज़्यादा करना पड़ता है। हाँ, मेहनत लगता है, आप अगर पहले 12 घंटा काम करते थे तो अब 19 घंटा काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगा अगर लॉस हुआ है, लॉस को अगर रिकवर करने के लिए। लेकिन टी गार्डन ऐसा कंपनी है ना जो लॉस में नहीं जाता है, उनका एक ही तरह लॉस हो सकता है, लॉस नहीं बोल सकते उसको, वो पार्ट ऑफ कंपनी है, लेकिन एक ही तरह उनका जो बोल सकते हो आप वो है, जो वर्कर्स लोग का होता है, रिसेंटली हुआ था लेबर्स लोग जो होते हैं, वर्कर्स लोग होते हैं, उनका जो सैलरी था वो काफ़ी हाइक करने का डिमांड आया था गवर्नमेंट से, कि जो लोग लेबर काम करते हैं तो 10,000-15,000 लेबर काम करते सबका अगर सैलरी बढ़ाए तो कंपनी पहले जो देती थी उसके बाद इंक्रीज हो गया सैलरी, तो वो चीज़ कंपनी को कहीं ना कहीं कंपनी को लगता है नुकसान हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कंपनी को कोई फर्क पड़ता होगा, क्योंकि उतना वो लोग रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। क्योंकि यार देखो कोई भी कंपनी में कोई भी काम करो यार, जितना पैसा आया वो कम ही है, सबको कम ही लगता है, तो इसलिए टी गार्डन जो है ना वो कभी लॉस में नहीं जाता है। टी गार्डन का इकोनॉमिकल स्टेटस जो है हमेशा टॉप में रहता है, वो कभी नीचे नहीं जाएगा। आप अगर काम करते हो टी गार्डन में, आप इतना सिक्योर हो सकते हो कि यार मैं देखो टी गार्डन, आप जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल टी गार्डन का एग्जांपल हो, हाँ आप जॉब कर रहे हो तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया टी गार्डन का, टी गार्डन को बंद करना पड़ जाए, लेकिन जॉब बंद नहीं होगा, आप कहीं और जाकर जॉब अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल भी जाएगा अगर एक्सपीरियंस है। इंडिया में 2.5 से लेकर 3 मिलियन लोग टी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है, तो आप सोच लो यार लॉस कैसे जा सकता है, मतलब इकोनॉमी स्टेटस जो है वो कभी गिर कैसे सकता है। टी गार्डन कभी नहीं गिरेगा, हमें तो उसका ऊपर ही जाएगा, क्योंकि लोग कुछ भी करना बंद कर सकते हैं लेकिन चाय पीना कभी बंद नहीं कर सकते। लोग का आज भी प्यारा चीज़ है सुबह उठ के चाय पीना, हर जगह मैं खुद पीता हूँ चाय सुबह उठ के, तो इसलिए चाय पीना कभी भी लोग बंद नहीं करेंगे। तो इसी के साथ आते हैं उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, जो आई थिंक सिमिलर है फर्स्ट नंबर से। तो उसका तीसरा नंबर में पूछा था उसने, वॉट इज़ द फ्यूचर स्कोप आफ्टर बींग वर्किंग सम ईयर एज अ टी प्लांटर। सबसे पहले सम ईयर जो इसने लगाया है ये मैं अग्री नहीं करूँगा, आप टी प्लांटर अगर बने हो सम ईयर्स का बात नहीं आता है, मतलब लंबा समय का बात आता है, क्योंकि आप टी प्लांटर बन गए हो, घुस गए हो तो आप काम कर रहे हो, आप प्रमोशन आपको मिलते रहेगा, तरक्की मिलते रहेगा, आप थोड़ी ना कंपनी छोड़ोगे, आप कंपनी छोड़ोगे नहीं, आप काम करते रहोगे और भी प्रमोशन लेते जाओगे। अब मैं इसको इसने फ्यूचर स्कोप एज अ सम ईयर का बात किया है, लेकिन मैं रिटायरमेंट का बात कर सकता हूँ, मैं रिटायरमेंट के बाद का बात करता हूँ, ठीक है, मैं उस वे में इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ, जो लोग समझे नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रिटायरमेंट के बाद एक टी प्लांटर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये याद रख लो टी प्लांटर का रिटायरमेंट एज नहीं होता है,
ये चीज़ सबसे बेस्ट है टी गार्डन में। आप अपने सेटिस्फाई के लिए ये बोल सकते हो, यार मैं 60 साल का हो गया, मैं रिटायर हो गया हूँ, अपने सेटिस्फाई के लिए बोल सकते हो, लेकिन आप काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, काम कंटिन्यू करना चाहो तो आप कर सकते हो, पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंडेंट है पूरा चीज़। तो बेसिकली आपका जब तक हाथ पाँव चल रहा है, सही सलामत चल रहा है, आप जाके फैक्ट्री में काम कर सकते हो, उस वक्त तक तो आप काफ़ी लंबे पोस्ट में होंगे, मतलब जनरल मैनेजर मैनेजर बन गए होंगे, तो आपके पास पावर भी होगा, आप डिसीजन ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, एंड अच्छा लाइफ स्टाइल भी हो जाएगा, और भी अच्छा लाइफ स्टाइल हो जाएगा आपका। तो बेसिकली कहना, मैं दूसरे पॉइंट में आता हूँ, जब आप को मन करेगा या टी प्ला या टी आर में बहुत काम कर लिया आप छोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो मैं आप लोग को बताता हूँ आप लोग क्या कर सकते हो। बहुत सारे टी गार्डन में अगर आप देखोगे ना, मंथली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे कहीं कहीं से, जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है, मतलब जो ओनर है जहाँ पे रहते हैं, बहुत सारे टी गार्डन में ओनर, छोटे छोटे टी गार्डन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होते हैं उनके ओनर्स वहीं पे रहते हैं, लेकिन वो बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं ना, उनके ओनर्स कलकत्ता रहते हैं या फिर कहीं बाहर रहते हैं, तो वो लोग हर टाइम तो रह नहीं सकते वहाँ पे, तो वो लोग कोई विजिटर्स को भेजते हैं, जिनको जिनको टी मोस्टली जो रिटायर्ड टी प्लांटर्स होते हैं ना, उनको भेजते हैं जाके देखने की कैसा चल रहा है टी गार्डन, तो आप वो जॉब कर सकते हो। मैं एक्चुअली वो नाम थोड़ा दिमाग से मेरा निकल रहा है, विजिटर्स कुछ बोलते हैं उस पोस्ट को, तो मेरा दिमाग से नाम निकल रहा है, बट यस आप वो काम कर सकते हो, एंड यस आप अलग अलग टी गार्डन में जाके, एंड बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, ट्रस्ट मी गाइस, आपको जाना है, आपको जो सीनियर में पोस्ट में है उस टी गार्डन में, उनके घर में रहना है, उनके बंगलों में रहना है, और उनसे बात करना है कि टी गार्डन कैसे चलना है, क्या करना है, उसके बाद आपको जाके फैक्ट्री चेक करना है कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कैसा चाय बन रहा है वहाँ पे, मतलब इट्स काइंड ऑफ स्कूल में होता है इंस्पेक्शन करना, वैसे आप इंस्पेक्शन करने जाना पड़ेगा आपको, अगर आपको मन करे इस काम में जाने को, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मोस्ट ऑफ टी प्लांटर यही करते हैं, तो आप ये काम पकड़ सकते हो। महीना में 2 या 3 बार आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आप जाओ ट्रैवल करो, जाके अलग अलग टी गार्डन में जाके विजिट करो, बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही शॉर्टेड काम है, बहुत ही मज़ेदार काम है रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए मैं ये बोलता हूँ टी प्लांटर का ना, जब तक हाथ पाँव सब सलामत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, उनका कभी रिटायरमेंट एज आता ही नहीं है। तो यस गाइस, होपफुली आप लोग का मैंने इस वीडियो से जो डाउट था आप सभी लोगों का, इस बंदे के थ्रू जो इन्होंने सवाल पूछा था, मैंने सब क्लियर किया आप लोग का। एंड यस वापस बोलना चाहूँगा, टी प्लांटर बनना है तो बनो, बहुत ही अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब रिटायरमेंट एज नहीं, और क्या चाहिए लाइफ में, मतलब आप कहीं पर कोई कंपनी में जाओ वहाँ पर रिटायरमेंट एज होता है, लेकिन इस कंपनी में टी प्लांटर के जो लाइफ स्टाइल है उसमें रिटायरमेंट एज नहीं है, जब तक आपका हाथ पाँव सलामत है आप काम करो, दिल खोल के काम करो, मज़ेदार काम है, करो, इन्जॉय करोगे। एंड यस तो बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ अभी जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस पे है। मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, यार आपने बहुत पॉजिटिव वीडियो बनाया है टी प्लांटर को लेकर, बहुत ही मतलब आप हर चीज़ अच्छा ही बता रहे हो टी प्लांटर के ऊपर, लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या है टी गार्डन के जॉब में टी प्लांटर बनने के बाद, तो मैं आप लोगों को डार्क साइड ऑफ टी प्लांटर बताऊंगा। तो जो अगला वीडियो होगा वो डार्क साइड ऑफ टी प्लांटर, डार्क साइड ऑफ टी गार्डन बताऊंगा, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिस मत करना गाइस प्लीज़ वो वीडियो को। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ, फिर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो और थोड़ा सा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला हो आप लोगों को मेरे थ्रू, एंड यस मिलता हूँ मैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, आपको बता दी मैं क्या वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो मिस मत करना प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एंड यस टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे, स्टे सेफ, एंड माँ बाप का इज्जत करो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो, सुबह सुबह उठ के उनके साथ चाय जरूर पिया करो, अच्छा लगेगा उनको। चलो बाय।